हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो शिक्षक दिवस को स्पेशल बनाने आ रहा हूँ इस बार मैं आपसे मिलने लखनऊ में। और सुबह मैं निकला था करीब 5 बजे और इस टाइम पे 8 बज रहा है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि रुकते रुकाते जा रहे हैं, आपसे बात करते हुए भी जाएंगे। और आज का दिन भी स्पेशल बनाएंगे, काफ़ी सारी बातें करेंगे, काफ़ी सारा आज आप मेरे बारे में जानोगे भी। और बस इतना ही याद आ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लगाव में एक बात बोली थी, चलो दिल्ली। तो वही बस मुझे याद आ रहा है कि आज आपका प्यार भी मुझे लखनऊ की तरफ खींच रहा है। तो बस इतना ही कहता, चलो लखनऊ। तो सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। हॉबी तो मेरी दो हैं जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। उसमें सबसे पहला है म्यूज़िक। अभी आप लोग तो जानते ही हो, गाना सुनते चला आ रहा हूँ। तो वो गाना कुछ ऐसा है जो अभी मैं सुन भी रहा था, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर काटूंगा तेरे लबों की प्याली को, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर काटूंगा हंसी लबों की प्याली को। और दूसरी हॉबी है मेरी चेस, मैं बहुत पसंद करता हूँ। और डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं चेस का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ पूरा क्रेडिट जाता है मेरे नाना जी को। बचपन से मेरे नाना ने ही मुझे चेस खेलना सिखाया है और उनसे मैंने इतनी मात खाई है ना चेस में कि पूछो मत। लेकिन धीमे धीमे जैसे बड़ा हुआ ना, तो आज ऐसा हो जाता है कि हाँ, 10 में से 3-4 गेम्स में उनको मात दे देता हूँ मैं। तो सेकेंड है चेस, और मेरे हिसाब से आपको भी खेलना चाहिए। और जो इससे ब्रेन एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। चीज़ों से बाहर निकल के आप शांति से सोचने की क्षमता आपकी बनती है। तो यही दो मेरी बेसिक हॉबीज हैं। मैंने किससे सीखा है हमेशा? देखो, वैसे तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी हमेशा बहुत सारे गुरु रहे, उन सबका आदर भी मैंने हमेशा किया। आज की डेट में जो दौर चल रहा है, गुरुओं की उतनी इज्जत नहीं है। लेकिन मुझे याद भी नहीं कि मेरी तो इतनी पिटाई हुई है, मतलब इतना जम के। कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह से शाम तक पिटते पिटते ही निकल जाता था। मतलब 8 आवर्स हैं स्कूल के, और 8ों जितने भी आपके पीरियड्स हैं, सब में सिर्फ और सिर्फ पिटाई और कुटाई हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज पिट नहीं गया था। लेकिन उसके बाद भी कभी अपने गुरु को मैंने आँख उठा के भी नहीं देखा, इतनी इज्जत हुआ करती थी उस टाइम पर। लेकिन अगर किसी एक चीज़ को मैं अपना गुरु बोलूं, तो वो बात ये है, थोड़ी सी डीप है ये बात, थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन भी है ये, कि अगर मेरा कोई गुरु रहा है लाइफ में, तो वो हमेशा रहा है क्रिटिक्स। जो मुझे क्रिटिसाइज करता है, वही मुझे आगे पुश करता है। मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जो मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन सच पूछो तो मुझे तारीफ़ करने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे उसकी बात लग जाती है जब कोई मेरे ऊपर सवाल उठाता है, जब कोई उंगली उठा देता है कि हाँ ये बात है, और यार ये बात तुम में नहीं है, तो वो चीज़ मुझे लग जाती है। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ। ये मेरे साथ है, दूसरों के साथ क्या होता है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्या चीज़ किक दे रही है ये आपको ही पता होगा। किसी को गर्लफ्रेंड किक दे देती है ना, अभी कितनों के दिल टूटे होंगे, और कितने उसमें बर्बाद हो जाते हैं और कितने उतने में बूस्टअप हो जाते हैं। तभी मैंने कहा डिपेंड करता है। कितने आप में से ऐसे हैं जो सुबह शाम अपने माँ बाप को देखते रहते हैं, माँ बाप बेचारे कमा रहे हैं इतनी मुश्किल से, आपकी पढ़ाई का खर्चा भर रहे हैं, बट उसके बाद भी बहुतों को नहीं आता समझ, उनकी स्थिति नहीं दिखती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप की कंडीशन ही दिखती है, वो चीज़ों ने बूस्ट करती है। तो मेरे लिए ये चीज़ है कि जब कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, जब मेरी कोई बुराई करता है या कोई मुझे चैलेंज करता है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए ऐसा लगता है कि 10 हाथ हो गए, 10 पैर हो गए, फिर तो मैं कुछ भी कर जाता हूँ। तो मेरा भी आपको हमेशा कहना है कि क्रिटिक्स हमेशा अपने पास रखिए। थोड़े से क्रिटिक्स जीवन में ऐसा बूस्टअप है जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके कपाल पे सक्सेस को नहीं चढ़ने देगा। बोलते हैं ना कि सक्सेस तो हर कोई पा लेता है, लेकिन सक्सेस को होल्ड करना बहुत कम लोगों को आता है। तो सक्सेस कपाल पे नहीं चढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं कपाल पे ना चढ़े, मतलब सर पे ना चढ़े। तो सक्सेस को होल्ड करना एक बड़ी बात है।
तो वो आपके दिमाग में तब नहीं चढ़ेगी जब आप अपने पास क्रिटिक्स रखोगे जो आपकी बुराई भी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोलते रहें। अच्छा अच्छा किसको नहीं सुनना पसंद है, मुझे भी, ठीक है, सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन क्रिटिक्स पास होना बहुत जरूरी है। तो क्रिटिसिज्म इज द मेन टीचर ऑफ माइंड। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सेम उसी तरीके से है जैसे कि शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं बचा, आप एक मृत इंसान हो, आप चीज़ों को ना पहचान सकते हो ना समझ सकते हो। तो अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके अंदर जान है। आज की डेट में मैं बहुत सारे ऐसी जगहों पे, आपने भी देखा होगा, मोहल्ले नुक्कड़ पे लोग झंडा उठा के चल देते हैं। ये झंडा मैं उस व्याप पर बोल रहा हूँ कि किसी भी आधार पर बस हाथ ऊपर करके चल देना है, मुद्दा पता नहीं है। जगह जगह पर जाके चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के साथ हुजूम का हुजूम है, लेकिन मुद्दा नहीं पता। चीज़ों को टैकल कैसे करना है ये नहीं पता, उसका सही तरीका क्या है ये नहीं पता। एजुकेशन से ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और फिर से वही चीज़ आ जाती है कि अगर शिक्षा नहीं है तो आपको चीज़ों को टैकल करना तो छोड़िए, आपको बात करने का लहजा भी नहीं आएगा। तो शिक्षा आपको हर एक चीज़ सिखाती है, शिक्षा से बड़ा अभिभावक कुछ भी नहीं है जीवन। अनअकैडमी से पहले भी पढ़ाना होता था और अभी भी पढ़ाना है, लेकिन अंतर बहुत है। उस टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था तो एक रीच जो थी वो लिमिटेड थी बहुत, लेकिन अभी क्या है, अनलिमिटेड रीच है। इसके अलावा यहाँ पर जो अनअकैडमी का जो इंटरफेस है, पहली चीज़ तो ये कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी रीच सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा खुशी ये मिलती है कि अभी तक ऑफलाइन क्लास में एक रूम में बैठ के सिर्फ एक जगह के बच्चों को ही पढ़ा पाता था, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि दिल्ली का भी बच्चा पढ़ता है मुझसे, वेस्ट बंगाल का भी, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, हर जगह का, पैन इंडिया का बच्चा आज पढ़ रहा है और हर एक को बेनिफिट हो रहा है। और खुशी भी 10 गुनी हो गई है। कारण क्या है कि जितना ज़्यादा बच्चा उतना ज़्यादा सक्सेस रेशियो। आज कहीं से फ़ोन आता है कर्नाटका से, केरला से, कि सर मेरा ये एग्ज़ाम निकल गया। आज वेस्ट बंगाल से फ़ोन आता है कि सर मैं यहाँ पे PCS क्वालिफाई कर गया, सर आज मैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गया। लगता है कि हाँ यार अपना बच्चा भी आज यहाँ पे चला गया, लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है आज इस विभाग में नौकरी कर रहा है। तो ये अंतर है, अंतर और किसी चीज़ का नहीं है, अंतर कहीं ना कहीं एक उस खुशी का है, उस संतुष्टि का है कि हाँ जो करना चाह रहे हैं उसको कर पा रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जो और जिस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं वो हो पा रहा है, बच्चों को डिलीवर, बच्चों को समझ भी आता है और उनके लिए भी आसानी है। तो हर तरीके से चीज़ें बेहतर है। अनअकैडमी के पहले चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हुआ करती थी, अभी चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं। मकसद, देखिए मकसद तो एक बड़ा वर्ड हो गया, बहुत बड़ा वर्ड हो गया। मकसद का मतलब एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक होता है गोल। ऑब्जेक्टिव पहले की बात है, गोल बाद की बात है। सो मकसद इज़ लाइक गोल। देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में एक ही मकसद है कि मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, ये मेरा जीवन है, तो मैं इसमें कुछ कर जाऊँ। और करना केवल दो ही क्षेत्रों में अब चाहता हूँ, पास्ट क्या रहा उसकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन अब जो मकसद है ये मकसद बदलेगा नहीं, क्योंकि इसमें प्यार और आभार आप लोगों को बहुत भी मिला मुझे। पहला मकसद तो मेरा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ और उनमें से ज़्यादा बच्चे सफल भी हों, जिसके लिए क्वालिटी एजुकेशन, जिसके लिए पढ़ाई को इतना आसान कर देना, कोर्स को इतना आसान कर देना कि बच्चा दर दर ना भटके, उसको एक ही जगह पर सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। और होता भी है, मेरे सभी स्टूडेंट के साथ यही होता है कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं उन्हें हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप मेरा ये बैच पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है कि इसके अलावा फिर आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी कल ही एक बच्चा पूछ रहा था, नया बैच स्टार्ट हुआ है, वो पूछ रहा कि सर आप मुझे बुक रिकमेंड कर दो इसके अलावा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, हज़ारों का तुमने सब्सक्रिप्शन लिया पहले कोर्स, और उसके बाद अब तुम हज़ारों की किताब लेने की बात कर रहे हो,
तो भाई फिर ये सब्सक्रिप्शन क्यों लिया, किताबें ही ले लेते। तो यहाँ पर अगर तुम वरुण अवस्थी के पास आ रहे हो तो तुम्हें बुक सजेस्ट करने के लिए मैं नहीं बुला रहा हूँ। अगर आपने मेरा बैच ज्वाइन किया है तो वो अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पहला मकसद ये है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों, जीवन उनका सफल हो। और दूसरा मकसद मेरा ये है जो मुझे खुद के लिए करना है, जिससे मुझे अंदरूनी सुकून मिलता है, वो ये है कि मैं स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कभी कुछ करना चाहता हूँ। तो वो आगे चल के अभी जितना हो पाता है पॉसिबल मैं करता रहता हूँ। यूट्यूब पर भी आप लोग देखते हो, वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। पता नहीं क्या है, कुदरत की बनाई हुई इन जानवरों से, इन जीवों से मुझे बहुत प्यार है। तो बस उन्हीं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आगे चल के एक NGO में खोलना चाहता हूँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उसका एक कारण है, आज की डेट में दूसरे एनिमल्स हर कोई पाल लेता है। आप भैंस पाल लेते हो, दूध उससे आपको मिल जाता है। आप मुर्गी पालन कर लेते हो, उससे पैसा मिल जाता है। आप बकरी पालन कर लेते हो, पैसा मिल जाता है, दूध मिलता है उससे भी। लेकिन इन डॉगीज को कोई नहीं पूछने वाला है। कारण क्या है कि उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ कि हाँ, दर बदर बेचारे भटक रहे हैं, हमें यह समझना चाहिए कि वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो ये दो मेरे मकसद हैं। An academy. Let's crack it.